हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सहेलिया। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है दही बल्ले। दही बल्ले तो सब लोग बनाते हैं अपने घर पे, लेकिन इसे कैसे सॉफ्ट, किस तरीके से सॉफ्ट बनाए जाते हैं वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल और 1/2 कप मूंग दाल। दोनों को मैंने भिगो के 3 से 4 घंटे तक भिगोया है और उसको ड्रेन करके रखा है। अब मैं इन दोनों दालों को अलग अलग से मिक्सी में क्रश कर लूंगी। देखो, इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1/2 से 1.25 ग्लास पानी डाल के उसको क्रश किया है। अब हम उसको मिक्स कर देंगे। अब नरम कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैटना है। लगभग हम इसे 10 से 15 मिनट फैटेंगे और फैटने के वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपको फैटना है। इस तरह से 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसा फैटना है। देखो, ये मैंने 10 मिनट तक फैटा है और ये फ्लफी सा मिश्रण हो गया है रेडी। अब हम इसमें मसाला करेंगे। तो उसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ है, 2 चम्मच हरी मिर्च वो भी बारीक कटी हुई है, नमक स्वाद अनुसार, हींग का टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने ये 1 टीस्पून जितनी हींग डाली है। अब हमको इसे मिक्स करके उसके वड़े तलने हैं। तो उसके लिए हमने ये तेल गरम करके रखा है और हम इसमें देखो गोल्डन ब्राउन हमने ये तल लिए हैं। अब हम इसको ऑयल ड्रेन करके टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। हमने ये लुकवॉर्म वाटर लिया है और ये जो बड़े हमने तल के रेडी रखे हैं उसको हम इसमें रखेंगे और इसके ऊपर हमें ढक देना है। 10 मिनट तक हमें ऐसा रखना है, उसे बना लेंगे। दही बनाने के लिए हमने ये दही लिया है और ये हैंड बीटर से बीट कर दिया है और इसमें टेस्ट सॉल्ट और पाउडर शुगर, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 चम्मच लिया है शुगर, 4 चम्मच और सॉल्ट 2 चम्मच और इसको मिक्स कर देना है। देखो 10 मिनट के बाद अब ये कैसा हो गया है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। देखो हो रहा है ना स्पंजी। तो अब उसको ऐसे स्क्वीज करना है, ज़्यादा मत करो ताकि उसका शेप बदल ना जाए और उसे हमें एक सर्विंग प्लेट में रखना है। अब हम इसके ऊपर ये दही बना के रखा है वो रखेंगे, फिर ये इमली और खजूर की चटनी है वो रखेंगे, फिर ये थोड़ा सा चाट मसाला मैं छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर है और ये मिर्ची। सर्विंग के लिए रेडी हो गया है। अगर आप उस पे धनिया भी बारीक काट के डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो हो गया हमारा यमी और स्पॉन्जी दही बल्ले।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।